मैं लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों, हेनरिक क्लासन राक्षस ने भाई जब 15वें ओवर में अक्षर पटेल को यार 24 रन मारा तो मेरा दिल टूट गया भाई। मेरा यार भाई सपना टूट गया क्या रहा, यहाँ से इंडिया या T20 वर्ल्ड कप ना जीतेगा। मैंने भाई 15वें ओवर में यार TV बंद कर दिया था कि यार अब नहीं जीत पाएगा यार, कोई चांस नहीं यार इंडिया का यार। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या द कमबैक पांड्या, जिसने भाई यार राक्षस का विकेट लिया 16वें ओवर के पहले गेंद पे, और यहां से भाई यार इंडिया का मैच विनिंग का भाई परसेंटेज यार 98 से लेके यार भाई 50 पे चलाया, मजा आया। अगर उस दिन हार्दिक पांड्या यार उस दानव का विकेट ना लेता ना तो भाई यार इंडिया T20 वर्ल्ड कप हार जाता। उसके बाद यार भाई बुमराह का ओवर आया, बुमराह ने भाई यार मैच बना के दे दिया। फिर यार अर्शदीप सिंह, फिर यार भाई 20वें ओवर में हार्दिक पांड्या को 6 बॉल में भाई 16 रन चाहिए थे, और 16 रन यार भाई पहले बॉल फुल टॉस डाला गया, फुल टॉस पे सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा और डेविड मिलर आउट। वहां से भाई यार होप 99% हो गया कि इंडिया यहां से ऑब्वियसली जीत जाएगा और हम लोग भाई यार 11 साल बाद कोई ICC का ट्रॉफी का यार भाई चैंपियन बनेंगे। हम लोग ने यार हार्दिक पांड्या को कितना ट्रोल किया है भाई IPL में, उनको कुत्ता से कंपेयर किया है भाई हार्दिक को। याद है भाई मुंबई इंडियंस का मैच हो रहा था, उसमें भाई यार कहीं से कुत्ता घुसा गया था, तो उसमें यार हम लोग हार्दिक छपरी उस कुत्ते को कह रहे थे भाई। यार हार्दिक पांड्या को पूरे स्टेडियम में भाई, जो स्टेडियम हो हर स्टेडियम में हार्दिक पांड्या को इंसर्ट किया है, बू किया है भाई, हर जगह किया है भाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, बू किया है भाई यार, बहुत ज्यादा ट्रोल किया है हार्दिक पांड्या को। अगर कोई दूसरा प्लेयर होता ना तो शायद वहां पे यार दम तोड़ देता भाई यार, जिस तरह फैंस ने उनको टॉर्चर किया है भाई। हम लोग भी उसमें थे यार, यूट्यूब पे वीडियो बना के, सोशल मीडिया पे भाई यार ट्विटर पे ट्वीट करते थे छपरी पांड्या। आज वही छपरी पांड्या की वजह से T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी भारत के पास। मुंबई इंडियंस के फैंस यार भाई ये जो मैच देखने में नहीं स्टेडियम में जाते तो ये टिकट कटवा के यार स्टेडियम का आए, और हार्दिक पांड्या खूब बेइज्जत किए भाई, खूब ज़्यादा ही बेइज्जत किए पूरी इंडिया में भाई। सबसे ज़्यादा अगर किसी फैंस ने भाई बेइज्जती की है ना तो भाई मुंबई इंडियंस के फैंस ने हार्दिक पांड्या को बेइज्जती की है। द राइज ऑफ हार्दिक पांड्या, अब आने वाले समय भाई यार इंडियन क्रिकेट टीम के T20 फॉर्मेट में भाई वो कप्तान बनेंगे, आप देख लीजिएगा भाई। बात तो सही है। क्योंकि यार T20 वर्ल्ड कप में भाई वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या ही थे ना, कि कोई दूसरा था भाई। और यार अब यार रोहित शर्मा ने भी यार कप्तानी से और T20 इंटरनेशनल से भाई संन्यास ले लिया, तो हार्दिक पांड्या इज द न्यू कैप्टन ऑफ यार इंडियन क्रिकेट टीम, मेरे को ऐसा लगता है भाई। और जय शाह जी का और अमित शाह जी का तो भाई फुल सपोर्ट है यार हार्दिक पांड्या के ऊपर, तो यार हार्दिक पांड्या कप्तान बने भाई, मैं भी लोग यार यही चाहता हूँ, और यार एक बार और भाई 2026 में T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनवा दे। IPL में भाई मुंबई इंडियंस को हार्दिक पांड्या ले डूबे थे भाई यार, मुंबई इंडियंस हिस्ट्री में भाई कभी यार नीचे पे टॉप नहीं किए, लेकिन यार 2024 के IPL में भाई मुंबई इंडियंस टॉप 4 में भी नहीं थी भाई। क्या 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 प्लेयर हो तो यार हार्दिक पांड्या जैसा हो भाई, IPL में परफॉर्मेंस 0/0, जब यार इंटरनेशनल मैच की बारी आ जाना तो भाई हार्दिक पांड्या का रौद्र रूप आ जाता है यार, वो चाहे कोई भी सीरीज आप उठा कर देख लो। अच्छा बात नहीं है। एक मैं खाली यार T20 वर्ल्ड कप की नहीं बात कर रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप में तो भाई जलवा भी खेल दिया भाई, जलवा यार हार्दिक कौन मैच में भाई परफॉर्म नहीं कर बंदे ने बताया। पाकिस्तान के खिलाफ देख लीजिए भाई विकेट उखाड़ दिया भाई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आप लोग देख लीजिए भाई मस्त फिनिश करके दिया गेम को, फाइनल मैच में भी आप लोग देख लीजिए यार, इंग्लैंड के मैच में भी देख लीजिए यार फिनिश करके दिया भाई, विकेट भी लिया यार 3-3 विकेट लिया हार्दिक पांड्या ने। सही बात है। हेटर्स को अब यार हार्दिक पांड्या को सॉरी बोलना चाहिए, जिस तरह हार्दिक पांड्या को हम लोगों ने भाई ट्रोल किया यार, बहुत यार भाई उनको इंसल्ट किया भाई, बहुत ज्यादा ही किया भाई। उसको IPL में खेलने का, वर्ल्ड कप आया पेड़ पानी पेड़ जाएगा, मैं इंजोड़ू मैं इंजोड़ू मैं इंजोड़ू, अरे तेरे को इतना दम है देश के लिए खेलना, देश के लिए क्यों खेलना है तू, छपरी छपरी रोहित तेरा बाप है।
फाइनल मैच में भाई हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर डाले, उसमें से भाई 3 विकेट उखाड़ दिया भाई, मेन विकेट यार उखाड़ा यार। सबसे बड़ा विकेट तो यार भाई डेविड मिलर का, हेनरिक क्लासेन का भाई, अगर ये दोनों रहता ना तो भाई इंडिया T20 वर्ल्ड कप कुछ भी आप कह लो लेकिन नहीं जीतता भाई। बांग्लादेश के खिलाफ यार हाफ सेंचुरी मारना हो यार भाई, बैक टू बैक 3 छक्के बॉलर को मारना हो यार, वो यार भाई कैसे हम लोग भूल सकते हैं भाई। फिर यार विकेट लेना हो यार, मजा आ गया भाई T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या का सक्सेस देख के यार। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, यार हार्दिक पांड्या का आरती उतारना चाहिए भाई, जिस तरह हम लोग को यार T20 वर्ल्ड कप में भाई उनका अहम योगदान रहा यार। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। इस 3-4 महीने में भाई हार्दिक पांड्या को एक तो ट्रोलर्स ने भाई ट्रोल किया, एक उनकी बीवी यार भाई छोड़ के भाग गए ऐसा भाई यार रूमर उठ रहा था। अब ये कितना सत्य कि यार वो तो हार्दिक पांड्या ही जाने चाहे उनकी वाइफ ही जाने भाई। अच्छा बात नहीं है। लेकिन जो इंडियन टीम के लिए भाई हार्दिक पांड्या ने भाई इस T20 वर्ल्ड कप में किया है ना भाई, उस तरह यार भाई कपिल देव भी थे जो उन्होंने यार वर्ल्ड कप के मैचेस में किया हो। बैटिंग से भी परफॉर्मेंस बंदा करता है, बॉलिंग से भी बंदा परफॉर्मेंस करता है भाई, इससे अच्छा ऑलराउंडर भाई क्या होगा भाई इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। सीएम दुबे को यार भाई हार्दिक पांड्या से कंपेयर करते हैं, लेकिन भाई कंपेयर नहीं करना भाई, जमीन आसमान का अंतर हार्दिक और सीएम दुबे में यार। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। हार्दिक जैसा हार्दिक नहीं है भाई पूरे इंडिया में भाई, जलवा है भाई का जलवा, चाहे वो भाई फैशन के मामले में हो चाहे भाई परफॉर्मेंस के मामले में भाई। यार IPL में बंदा परफॉर्म करे चाहे ना करे भाई, यार टीम में आता है ना इंडियन क्रिकेट के तो भाई उसमें उसका पल्ला बोलता ही बोलता है भाई। आँख बंद करके भाई विकेट लेता है और आँख बंद करके भाई यार शॉट खेलता है, चाहे वो भाई बैटिंग से हो चाहे बॉलिंग से हो भाई। परफॉर्मेंस यार IPL में 0 रन रहता ना तो भाई इंटरनेशनल मैच में भाई जितना भी रन मारता है 30 रन मारता है 32 रन मारता है वो यार सेंचुरी के बराबर है भाई किसी भी प्लेयर के लिए। क्योंकि दोस्तों नॉट आउट जाते हैं यार हार्दिक पांड्या, अगर उनको और 10-20 ओवर मिले तो भाई जिस तरह वो खेलते हैं जैसे लगता है भाई सेंचुरी तो पक्का कन्फर्म ही है। बात तो सही है। इस T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या ने 8 मैचेस खेले, 8 मैचों में भाई उन्होंने 11 विकेट झटके हैं भाई, सबसे हाईएस्ट विकेट 3 विकेट का रहा हूं। खैर दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हार्दिक पांड्या का भाई कमबैक कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा यार।